Hi there and welcome back to Minds Mind Tutorials. So we were seeing the reproductive behavior in ethology and we started with courtship there. And courtship में हमने जो अलग अलग तरीके से animals के अंदर mating behavior रहते हैं courtship behavior रहते हैं उसके लिए particularly scorpions, spiders और dragonfly जो होती हैं इन तीन, तीन चीज़ों के अंदर हमने courtship behavior and then mating behavior दोनों एक साथ जस्ट इससे पहले वाला जो प्रीवियस वीडियो सेगमेंट था उसमें देख लिए थे सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद कोर्टशिप इन फिशेज एंड यू माइट बी वंडरिंग दैट हमने यहाँ पर इतने सारे फिशेज के डायग्राम क्यों लिए हैं तो हम इन सारी फिशेज के बारे में कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो सेगमेंट में इन सभी के कोर्टशिप बिहेवियर को समझ ले क्योंकि क्या होता है ना फिशेज की जो स्पीशीज होती है वो अलग अलग हो सकती है अब अलग अलग स्पीशीज में क्या होता है डाइवर्स या फिर डिफरेंट तरह की कोर्टशिप देखने को मिलती है और उनके मेटिंग पैटर्नस भी वहां पर अलग हो जाते हैं सो so, मैं इसमें कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो सेगमेंट में मैं सारी फिशेज को यहाँ पर कवर कर लूँ लेकिन इफ स्टिल अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे नाउ विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू टू वीडियो लेक्चर सबसे पहली बात मैं यहाँ जिस फिश के बारे में करूंगी वो रहेगी थ्री स्पाइंड आपने नाम बहुत बार सुना होगा थ्री स्पाइंड स्टिकल बैक फिश स्टिकल बैक या फिर फिश लिख देंगे फिश लिख देंगे आपको जो सही लगे आप वो लिख सकते हैं ठीक है सबसे पहले तो एक अच्छा कलर चूज करना जरूरी है फाइन अब समझिए कि आपके सामने एक तो इसका डायग्राम भी इनको देखकर एक थोड़ा सा इमेजिनेशन इन्हीं को लेकर करना है आपको ये दोनों जो यहाँ पर स्टिकल बैग के नाम से मैंने नोट की यही फिशेज के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सो so, अः थोड़ा बहुत इसको आप ध्यान में ले ले कि हम इन दोनों के बारे में बात करें दोनों ही स्टिकल बैक फिशेज है एक मेल है और दूसरा यहाँ पर फीमेल है नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेल्स को जो थ्री स्पाइंड स्टिकल बैक फिशेज होती है वो स्मॉल फ्रेश वाटर फिशेज होती है छोटी भी होती है साइज में दूसरी बात क्या है कहाँ पाई जाती है फ्रेश वाटर में पाई जाती है फ्रेश वाटर में स्मॉल भी होती है ठीक है यानी कि ऐसा पानी जहां पर सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होता है ऐसे पानी में थ्री स्पाइंटिकल बैग फिशेज पाई जाती है दूसरी जरूरी बात इनके लिए ये होती है कि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग आप पहले से ही जानते हैं अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी हो रहा है देन दैट काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल बॉडी के बाहर के इन्वायरमेंट में जाकर या फिर किसी भी मीडियम में फर्टिलाइजेशन होगा गैमेट्स का तो उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे तो इन दोनों फिशेज की अगर हम स्टिकल बैक फिशेज की बात करते हैं तो इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है कोर्टशिप बिहेवियर की बात की जाए तो इन फिशेज का कोर्टशिप बिहेवियर अगर हम नोट करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है और इथोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा रिलेशन भी होता है चाहे मेल हो या फीमेल हो दोनों ही का कलर जो होता है अगर हम उनकी एक्सटर्नल अपियरेंस की बात करें तो दोनों ग्रे ग्रीन फिश होती है ग्रेश ग्रीन फिश दोनों ही का कलर कैसा होता है ग्रेश ग्रीन फिश दोनों फिश तो उनको हम कह रहे हैं अब उनका कलर ग्रे और ग्रीन का एक मिश्रण जो होना चाहिए उस तरह का होता है ना अब आप सोचेंगे यहाँ जो डायग्राम है इसके अंदर तो एक के नीचे रेड दिखाई दे रहा है और एक थोड़ा सा ग्रेज ग्रीन के ऊपर वो ज्यादा मैच कर रही है ऐसा तो हो ही नहीं रहा है कि दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे तो होल्ड ऑन योर हॉर्सेस हम आगे अभी समझेंगे इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है अभी मैं सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ दूसरी बात ये स्कूल्स में रहती है अब फिर से नई बात आ जाती है स्कूल्स में कैसे रह सकती फिशेस पढ़ाई कैसे करेंगे वो कौन से स्कूल में जा सकती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो आपने बचपन में सुना होगा जब हम ग्रुप बताते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो उसमें वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे लायन के जो ग्रुप होता है उसको हम प्राइड कहते हैं उसी तरह से फिशेस के ग्रुप को हम स्कूल्स कहते हैं या स्कूल कहते हैं जो भी आप कहें वो तो इस तरह से आपने अलग अलग होगा हनी बीज जो होती है वो भी कहीं ना कहीं ग्रुप बना के रहती है और कॉलोनी uh, के नाम से उनका ग्रुप कहलाता है इसी तरह से और भी और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं अभी हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे यहाँ पर सो फिशेज के ग्रुप को क्या कहते हैं स्कूल्स कहते हैं तो ये फिशेज जो कि ग्रेज ग्रीन कलर की होती है स्मॉल होती है फ्रेश वाटर फिश होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो करती है कैसे रहती है स्कूल्स में रहती है ठीक है अब जब ब्रीडिंग सीजन आता है या फिर ब्रीडिंग सीजन के अलावा आप बात करें दो तरह के सीजन होते हैं इन लोगों के लिए एक नॉर्मल सीजन होता है और एक ब्रीडिंग सीजन होता है तो सो so पर क्या हो रहा है कि अगर आप ब्रीडिंग सीजन के अलावा बात करें यानी कि एक ब्रीडिंग सीजन है उसके अलावा जो नॉर्मली इनका सीजन रहता है जब ये ब्रीडिंग परफॉर्म नहीं कर रहे होते तब अगर आप इनकी बात करेंगे तो इसमें कोई भी सेक्सुअल डायमोरफिजम देखने को नहीं मिलता तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ द ब्रीडिंग सीजन आउट ऑफ द ब्रीडिंग सीजन क्सुअल डायमोरफिज्म नो सेक्सुअल डायमोरफिज्म अब सवाल ये उठता है कि सेक्सुअल डायमोरफिज्म क्या होता है तो सेक्सुअल डायमोरफिज्म का मतलब होता है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को ये पहचान सके कि ये मेल है और दूसरा फीमेल है तो इसको कहा जाता है सेक्सुअल डायमोरफिज्म यानी उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस की बेसिस पर आप ये बता सकते हैं कि कौन इसमें मेल है और कौन इनमें फीमेल है अगर आप ये बता सकते हो तो उसमें क्या बोलते हैं ऐसी कंडीशन को सेक्सुअल डायमोरफिजम कहते हैं लेकिन हम यहाँ क्या, क्या कह रहे हैं इनके अंदर कोई सेक्सुअल डायमोरफिज देखने को नहीं मिलता यानी कि क्या मीनिंग निकल रहा है कि जो मेल फिश होगी और जो फीमेल फिश होगी मेल फिश फिश और जो फीमेल होगी दोनों तो ही एक जैसी दिखाई देंगी इनमें कोई सेक्सुअल डायमोरफिज्म नहीं होता है आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी फिश मेल है और कौन सी फिश फीमेल है लेकिन ये कंडीशन कब यूज कर रहे हैं हम ऐसी कंडीशन हम तब बता रहे हैं कि जब ये ब्रीडिंग सीजन के अंदर नहीं है अभी इनका ब्रीडिंग सीजन नहीं आया है उस समय क्या होता है इनके अंदर कोई सेक्सुअल नहीं मिलता है इसीलिए अब कोई सेक्सुअल नहीं होगा तो दोनों फिश कैसी दिखाई देंगी ग्रेश ग्रीन कलर की दिखाई देंगी तो वो चीज को अब हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया दूसरी बात समझते हैं कि अगर हम बात करें अब ब्रीडिंग सीजन में अगर क्या होगा ये तो हुई आउट ऑफ दी ब्रीडिंग सीजन की बात अब अगर ब्रीडिंग सीजन में होना है तो वहां कैसा सेक्सुअल डायमोरफिज आता है सो ब्रीडिंग सीजन तो ब्रीडिंग सीजन में आप समझते हैं ब्रीडिंग सीजन जनरली इनका समर मंथ्स में आता है समर मंथ्स में ठीक है अब थोड़ा सा अलग है ये भी क्योंकि जनरली फिशेस के अंदर मॉनसून के अंदर ब्रीडिंग की जाती है पर इनमें समर सीजन में होती है तो समर मंथ लिखा है मैंने एम फॉर मंथ है यहाँ पर समर मंथ का आप याद रखेंगे तो आगे समझते हैं इसमें क्या होता है कि जब सेक्सुअल डायमोर्फिज्म आने लगता है तो इनका जो मेल इंडिविजुअल होता है मैं मेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो जो मेल इंडिविजुअल होता है वो कैसा हो जाता है कि उसके फीचर्स और उसका बिहेवियर दोनों ही चेंज करने लगते हैं बाहर से तो अलग होगा उसका सेक्सुअल डायमोर्फिजम तो पक्के से चेंज होना ही है ये फीमेल से प्लस उसका बिहेवियर भी चेंज होने लगता है बिहेवियर वो थोड़ा अलग ही बिहेवियर शो करने लगेगा जिससे आप ये बता सकते हो ये पक्की सी बात है मेल है और उसके फीचर्स भी आपको ये शो कर देंगे कि यही ऑर्गेनिज्म पर मेल है और फीमेल दूसरी ऑर्गेनिज्म है ठीक है तो अब इनमें अलग अलग तरह की कोर्टशिप कंडीशन रहेगी जिस वजह से यहाँ पर समर मंथ के अंदर ब्रीडिंग सीजन के अंदर जो मेल इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने फीचर्स को सॉरी मेल इंडिविजुअल्स अपने फीचर्स को और अपने बिहेवियर को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं अब दूसरी बात आती है कि आ, होता क्या है कि जो डे लेंथ होती है स्प्रिंग सीजन की वो थोड़ी सी लंबी होती में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसी से क्या होता है इनके अंदर इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स देखने को मिलता है क्योंकि मैं यहां लिखती हूँ पता नहीं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो अब हम लोग क्या कर रहे थे हमने यहाँ पर ये कहा कि जब लॉन्गर डे आता है लॉन्गर डे लेंथ आती है स्प्रिंग सीजन में लॉन्गर डे लेंथ कब आती है स्प्रिंग सीजन के अंदर ठीक है तो उस टाइम पे क्या होता है ये जो इंडिविजुअल्स रहते हैं इनको जैसी लॉन्गर डे लेंथ देखने को मिलती है तो इनके अंदर जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं उनका सिक्रीशन हाई हो जाता है तो हॉर्मोन्स का लेवल इनके अंदर क्या हो जाता है हाई हो जाता है अब जैसे इनमें सेक्स हॉर्मोन्स का लेवल हाई होता है इस वजह से इनके अंदर जो चीज होती है वो होती है माइग्रेशन ये फिशेस क्या कर देती है यहाँ पर माइग्रेशन परफॉर्म कर देती है यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाने को हम माइग्रेशन कहते हैं अब माइग्रेशन जब ये परफॉर्म करती है तो कैसे पानी में करती है पहले ये ऑलरेडी डीप वाटर में रह रही थी गहरे पानी में रह रही थी उसके बाद ये डीप वाटर से कहाँ चली जाती है ये शेलो वाटर में चली जाती है कम गहराई वाला पानी ठीक है उसके बाद जैसे ही हम हाँ जाती है तो वहां पर इनके अंदर बॉडी में इनकी स्पॉनिंग होती है स्पॉनिंग का मतलब है यही ब्रीडिंग परफॉर्म करने की प्रोसेस तो शेलो वाटर में ये क्या करेंगी वहां पर ये ब्रीडिंग को परफॉर्म करेंगी दूसरी बात जैसे ही यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही होती है साइमल्टेनियसली साथ साथ में इनमें और भी चीजें होती है जैसे कि इनके बॉडी के कलर में चेंजेस आना और वो भी किस में आना मेल के अंदर तो साथ में क्या हो रहा है जो मेल इंडिविजुअल है उसका आ, मैं अगर यहाँ पर डायग्राम बनाती हूँ सबसे बेस्ट तो रहेगा मैं आपको डायग्राम से ही शो कर दूँगा या फिर यही डायग्राम लिख लेते हैं ये और भी अच्छा है आपको और मतलब डिटेल में ओरिजिनल से समझ में आएगा तो आप देखिए इसका बेली देखिए इस ये मेल इंडिविजुअल है नीचे वाला मेल है यहाँ पर ठीक है और ऊपर वाली फीमेल है तो इसका यहाँ नीचे वाला पोर्शन देखिए ये क्या है रेड बेली है बिल्कुल रेड इस जगह पर देखिए जहां मैं भी रेड कलर का मार्किंग कर रही हूँ इस जगह पर लगाई दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपको इस टाइप से ये ये क्या है इसका रेड बेली है इसका जो स्टमक वाला पोर्शन है बिल्कुल रेड ब्लड रेड कलर का हो जाता है बिल्कुल ब्लड का जो कलर होगा ना उस तरह से रेड दिखाई देता है और जो इसके साइड्स होते हैं अब अगर आप इसके साइड्स को देखेंगे बॉडी के वो कैसे दिखाई दे रहे हैं ग्लॉसी और ट्रांसपेरेंट चमकीले नजर आ रहे हैं तो एक तो इसका बेली जो है मैं यहाँ नोट भी करूंगी इसको इसका बेली रेड हो जाएगा वो भी ब्लड रेड याद कर लेना ब्राइट रेड सॉरी ब्राइट ब्लड रेड जो भी आप लिखना चाहे और इसके साइड्स की बात की मैंने एक साइड्स इसके कैसे हो जाएगी ग्लॉसी हो जाएगी ग्लॉसी चमकीले हो जाएगी अलग ही चमक दिखाई देगी और थोड़े से ट्रांसपेरेंट दिखने लगेंगे ट्रांसपेरेंट और ये सभी चीजें कब होगी उसके ब्रीडिंग सीजन में होगी ट्रांसपेरेंट नजर आने लगेगी और उसकी बैक की तरफ अगर आप देखोगे यहां पर इस पोर्शन में ये ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा दिखा? कि इसकी जो बैक है वो इल्यूमिनेटिंग न्योन लाइट्स की तरह नजर आती है जैसे न्योन कलर होता है ना उसके अंदर अगर लाइट्स लगा देंगे उस तरह की कलर की लाइट्स होंगी तो वो कैसे चमकेंगी बिल्कुल वैसे ही इसकी बैक चमकने लगती है और इसके अंदर एक ब्लू ग्रीन कलर भी साथ में नजर आता है तो आप बाकी की बॉडी पर देखोगे यहाँ पर तो बाकी की बॉडी पर आपको यहाँ पर ब्लू ग्रीन कलर भी नजर आ रहा होगा इस जगह पर देखिए ये सारी जगह जो है इसकी बाकी की रेस्ट ऑफ दी प्लेस वहाँ ब्लू ग्रीन कलर हमें दिखाई दे रहा है तो ये सारी चीजें होती है एक चीज और होती है इसी बीच के इसकी जो आईज होती है आईज मेल की जो आईज होती है वो कैसी हो जाती है वो भी ग्रीन हो जाती है आंखें देखिए उसकी वहां पर वो भी थोड़ी ग्रीन नजर आएगी आपको ग्रीन आंखें होने लगती है इसकी और फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं आते फीमेल को सिर्फ पहचानना है कि ये फीमेल है तो सिर्फ इतना हर रहेगा कि उसका कलर तो सिल्वर ही कलर का ही रहेगा जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो थोड़ी सिल्वर सिल्वर दिखाई दे रही है एक तो सिल्वर कलर की रहेगी और उसका बैली जो होगा उसका बैली वाला पोर्शन वो इनलार्ज हो जाएगा तो फीमेल में एक पॉइंट याद रख लेना कि इसकी बैली इनलार्ज करेगी बैली अनार्ज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी इसकी बैली क्योंकि वो ऑफ कोर्स वो ओवम या एग्स जो भी है उनको आ, ले आउट करेगी वहां पर तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो एनाज दिखाई देगी और उसका कलर चेंज नहीं होता सिर्फ वो ग्रे या सिल्वरी कलर जो आप कहना चाहो वैसे ही रहेगी तो ये बातें तो किसके बारे में करी हमने अभी थ्री पॉइंट चिकल बैग की फिश के इंट्रोडक्शन की बात की ठीक है अच्छा एक बात और मैं अगर करूं कि थ्री स्पाइंस टिकल बैग फिश है तो यहाँ पर उनके स्पाइंस भी होने चाहिए इस डायग्राम में स्पाइन्स नहीं दिखाई दे रहे और

जो भी प्रोसेस होती है मेटिंग की अगर हम अब उसकी डिटेल करें तो वो देखिए कि जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है मेल के अंदर मेल के कलर चेंज हो रहे है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है इतना सब कुछ हो रहा है उसमें तो वो जो स्कूल था फिशेज का यानी कि वो जो उनका ग्रुप था उसको वो छोड़कर वहां से चले जाता है तो मान लीजिए फिशेज का पूरा ग्रुप था बहुत सारी स्टिकल बैग फिशेज एक साथ इस ग्रुप में रहती है इसको स्कूल ऑफ फिशेस कहते हैं तो ये स्कूल को छोड़कर जो मेल इंडिविजुअल रहता है जैसे ही उसके अंदर ये चेंजेस आने लगते हैं ये वाले चेंजेस जो कि ब्रीडिंग सीजन में आ रहे हैं तो वो इस ग्रुप को छोड़कर बाहर चले जाता है वहां से आउट हो जाता है और अपनी खुद की टेरिटरी बनाता है सबसे पहले जो कि एरिया ऑफ सेंडी बॉटम का होना चाहिए जिसमें बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स होना चाहिए तो ये पहले तो पहले तो यहाँ से मेल निकल के बाहर चले जाएंगे अपने खुद की टेरिटरी बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल ये मेल इंडिविजुअल इसके रेड वैली भी हो गया यहाँ पर फिर इसने अपनी टेरिटरी बनाई ये इसका एरिया बना लिया इसने एरिया ऐसी जगह पर बनाता है जहाँ पर बहुत सारी सैंड हो एक तो सैंड होना चाहिए यहाँ पर दूसरी बात बहुत सारे पेड़ पौधे हो सैंडी बॉटम लिख लेती हूँ यहाँ पर सैंडी बॉटम सैंडी बॉटम में रहना पसंद करता है सॉरी uh, टेरिटरी बनाना पसंद करता है रहता तो वैसे भी वो स्कूल में सिर्फ अभी अभी के टाइम पर जाएगा और प्लांट्स हो जहाँ पर एक्वेटिक वहां पर ये रहता है दूसरी बात क्या होती है कि जो टेरिटरी रहती है अपनी टेरिटरी को जब इसको डिफेंड करना रहता है यानी प्रोटेक्ट करना रहता है कि ताकि कोई और मेल इंडिविजुअल इसमें ना आ जाए ऐसी चीज को हम कहते हैं डिफेंड करना तो ये अपनी जब टेरिटरी को डिफेंड करता है दूसरे मेल से तो एक कॉमन थ्रेड पोस्चर रहता है जो ये फॉर्म करके रखता है सो so, जो मेल रहता है वो एक वर्टिकल तरह की पोजिशन अडॉप्ट कर लेता है यानी कि देखिए एक होता है हॉरिजोटल हॉरिजोनटल ऐसा होता है खड़ा और लेटा हुआ होता है वर्टिकल तो वर्टिकल पोजिशन ले लेता है ये सॉरी मैंने गलत कह दिया आई एम सॉरी रियली सॉरी मैं इसको पहले तो क्लियर करती हूँ ठीक है हॉरीजोंटल का मतलब होता है ऐसा देखिए ऐसा ये हॉरिजोंटल होता है और खड़ा होता है वर्टिकल ठीक so, है सो मैंने जस्ट उल्टा कह दिया था सो वर्टिकल पोजिशन एडॉप्ट कर लेता है ये ये शो करने के लिए कि ये इसके टेरिटरी और डिफेंड करने के लिए अपनी टेरिटरी को और अपने हेड को नीचे की तरफ ले लेता है और इसकी रेड वैली को पूरी तरीके से इंट्रीडोर को शो करता है यानी जो भी घुसपेटिया इसकी टेरिटरी में आने की कोशिश करेगा उसको अपनी रेड वैली शो कर देता है ये जैसे कि आप समझे तो इस डायग्राम को ये कैसे करेगा कि मान लीजिए ऐसा फिशेस uh, को हम कैसे ड्रॉ करेंगे ऐसे ये थ्री भी हो गई इसकी ठीक है उसके बाद ये इसका रेड बेली हो गया फाइन इसका हेड है तो ये ऐसी वर्टिकल पोजीशन ले लेता है कि ये हेड तो इसका नीचे आ जाता है इसकी टेल ऊपर चली जाती है इसका रेड वैली पूरी तरीके से जो इंट्रूडर्स है या फिर जो घुसपैठी है इसकी टेरिटरी में आने की कोशिश करे उनको ये ऐसा दिखाई देता है फाइन अब आगे की बात करते हैं ये तो सारी इसकी ऐसी बातें होगी तो एक चीज और कि जो स्टिकल बैग फिशेज होती है ये सुटेबल प्लेस जो रहती है जब इन्हें ढूंढनी होती है तो अगर इन्हें नहीं भी मिलती है ना तो ये क्या करती है जो बॉटम होता है सी का सैंडी बॉटम जो होता है बिल्कुल नीचे ही नीचे चल जाएंगे सी नहीं कहना चाहिए फ्रेश वाटर में तो वहाँ पर डिग करते हैं यानी डग करते जो भी आप समझो यानी खोदने की कोशिश करने की आ, दिखाई देती है इनकी और फिर वहाँ पर अपना नेस्ट तैयार करते हैं जहाँ पर एल्गी होती है वीड्स होती हैं जिन्हें ये खाते हैं उसी सेम पिट में और वहीं रहते भी है तो सैंडी बॉटम में ये डगिंग या डिगिंग सॉरी डिगिंग शो करते हैं एक खोद, खुदाई करते हैं और वहां पर अपना नेस्ट तैयार करते हैं अब फिशेज का नेस्ट वर्ड तो आपको पता ही होगा हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं नेस्ट तो ये नेस्ट बनाता है और उसके अंदर एलगी और जितने भी वीड्स होते हैं उनको भी इकट्ठा करके रखता है वहां पर उनके ऊपर बैठता भी है यहाँ सॉरी रहता भी है साथ में जो मेल होते हैं यहाँ पर मेल इंडिविजुअल्स वो एक तरह का स्टिकी फ्लूइड भी सिक्रिएट करते हैं मैं इन मेल इंडिविजुअल्स की बात कर रही हूँ ये क्या करें कि एक, sticky fluid भी करेंगे एक स्टिकी फ्लूइड भी सिक्रिएट करेंगे चिपचिप सा कुछ पदार्थ यहाँ पर वो सिक्रिएट करेंगे और कहाँ से फ्रॉम हिज किडनी उसकी किडनी में से सिक्रिएट करेंगे किडनी में से ठीक है ओवर दी पाइल ऑफ एल्गी एंड वीड जो भी वहाँ पर इसने पाइल बनाई है पाइल यानी इकट्ठा करा है एलगी और वीट को एलगी और, तो और वीड के ऊपर डाल देगा अब ये जो सिक्रेटेड मटेरियल होता है इसका मतलब क्या होता है क्यों सिक्रेट कर रहा है तो ये जो कहना चाहिए चिपचिपा सा पदार्थ है वो ग्लू की तरह एक्ट करता है ग्लू जो होता है ना ग्लू गोंद जिसको हिंदी में कहते हैं उसकी तरह एक्ट करता है और ग्लू की तरह एक, एक्ट करने के बाद नेस्ट इसकी एक टनल शेप बनाती है मेल आ, आ, हमेशा स्विम करते हैं नेस्ट के थ्रू कंप्लीटली और मेल जो है वो नेस्ट को भी प्रिपेयर करते हैं और क्रेडल जिसको आप कह सकते हो जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पालने में रखा जाता है तो पालने को क्या कहते हैं हिंदी में सॉरी इंग्लिश में करेडल क्रेडल तो बच्चे का क्रेडल बनाना नेस्ट तैयार करना एलगी वीट का पाइल बनाकर उन पर ग्लू लगा देना मतलब उसकी खुद के किडनी में से एक सब्सटेंस निकला था स्टिकी सब्सटेंस उसके थ्रू ग्लू बना देना ये सारी चीजें यहाँ पर वो परफॉर्म करता है बच्चों के लिए क्रेडल तक बना लेता है यहाँ पर ये यह मेल यानी कि उनका पालना बना लेता है फिर मेल यहाँ पर जैसे एग्स भी आ जाते तो एग्स को एरेट भी करता है यानी हवा पहुंचाने का काम भी करता है मतलब आपने सुना होगा मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में पढ़ाया है ये कि मान लीजिए ये एग्स है ठीक है इसी मेल मतलब फीमेल और मेल दोनों के तो इन एक एग्स के ऊपर क्या करता है हवा पहुंचाने की काम करता है तो अपने फैनिंग बिहेवियर शो करता है अपने फिन को ऐसे ऐसे हवा में चलाता है कि जिससे कि वो एक फैन की तरह वर्क करती है और ये जो एग्स होते हैं वो एरेट हो जाते हैं इनमें हवा आ जाती है सो so, एरेशन करता है ये एग्स का वर्ड पे ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ एरेशन. एरेशन एरेशन उसके बाद ये जो एरेशन है ये करता कैसे है तो ये अपने जो पेक्टोरल फिंस होते हैं पेक्टोरल फिंस उसका भी नाम लिखते हैं पेक्टोरल लिखे तो इसके जो पेक्टोरल फिंस होते हैं उसको बीट करता है और एरेशन प्रोवाइड करता है और ये जो कोर्सिप एक्टिविटीज होती है ये सभी थ्री स्पाइंड स्टिकल बैक फिशेज में देखने को मिलती है तो ये सारी मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बताई और भी बता रही हूं यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ है तो ये वाली बात तो हो गई ये पाइल वगैरह इकट्ठी करी इसने वीड वगैरह सब कुछ कर लिया उसके बाद ग्लू लगा लिया टनल शेप का वो बना लिया अपना कहना चाहिए रास्ता नेस्ट के लिए फिर क्रेडल बनाया एक्सपेक्टेड बेबीज के लिए जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है नेस्ट वगैरह सब तैयार हो जाता है सो तो ये जो मेल होता है ये क्या करता है एक और कलर चेंज परफॉर्म करता है अभी इसका रेड वेली था अब इसका फिर से कलर चेंज होगा यानी कि जो अपर पोर्शन होता है इसका इसकी बॉडी का वो ब्लू कलर का होने लग जाता है तो अपर बॉडी अब इसकी ब्लू हो जाएगी आई थिंक मुझे यहाँ पर रब करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉश पॉच हो जाएगा नहीं तो तो मैं अब रब कर रही हूँ और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने शायद नहीं लिखा था सो so आप प्लीज़ उसको पॉज करके या फिर प्रीवियस वीडियो को मतलब तो थोड़ा पीछे की तरफ ले जाएंगे वीडियो को तो आपको डेफिनेटली वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी आई थिंक हमारी हेडिंग ही चली जाएगी ऐसे तो मैं एक सेकेंड इसको क्लियर सो so, मैंने थोड़ा सा क्लियर कर लिया है इसको अब आगे समझते हैं अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही इसने मेल ने यहाँ पर नेस्ट वगैरह बनाने का काम परफॉर्म कर लिया नेस्ट वगैरह सब अच्छे से प्रिपेयर हो गया इसका अब ये क्या करेगा इसकी जो कलर चेंजिंग है अगेन फिर से शो करेगा इसका अब ब्लू कलर नजर आने लगेगा अब ये जब ब्लू कलर का हो जाता है तो ये फीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि फीमेल इसके साथ मेटिंग परफॉर्म कर सके वहां पर सो so, अपर पोर्शन तो इसका जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा कलर पैटर्न अब इसका जो होगा फीमेल को अट्रैक्ट करेगा और फीमेल के जो बैली होगी उसमें एग्स तो ऑलरेडी फिल्ड ही रहेंगे जिससे कि वो भी स्टिमुलेट कर सकती है मेल को और फिर दोनों एक तरह का जिग्जेक डांस होता है जिसको वो परफॉर्म करते हैं एक तरह का जिग्जैक डांस इस तरह का ऐसा डांस ये दोनों मिलकर परफॉर्म करते हैं जिसको लैंग्वेज जो दी जाती है वो होती है सिग्मॉइड डांस सिग्मोइड कहा जाता है इसको या फिर एस डांस भी कहा जाता है और फिर उसके बाद ये जो सिग्मोड डांस होता है ये परफॉर्म करने की अलग अलग स्टेप्स होती है सबसे पहले जो मेल होता है वो स्विमिंग करता है गिविंग जर्क्स ऐसे अलग जर्क के फॉर्म में जर्क जिस तरह सह से होगी उस तरह से वहां पर वो स्विमिंग परफॉर्म करेगा फिर उसके बाद जो अल्टरनेट uh, तरह की लिपिंग शो करता है टूअर्ड्स तो दी फीमेल फिर उसके बाद एक साइड वे का जंप देगा टूवर्ड्स तो दी फीमेल पार्टनर फिर उसके बाद जो कोट कोटिंग मेल सर्कल्स होते हैं वो बनाता है फीमेल के आसपास फिर साइड वे करेगा जो कि रफली इन डायरेक्शन ऑफ नेस्ट होते हैं यानी वो शो कर रहा है कि देखो मैंने ये नेस्ट प्रिपेयर करा है फिर उसके बाद टाइम टू टाइम जो मेल होता है वो डैश तरह की चीज़ें भी शो करता है टूवर्ड्स ही नेस्ट और ये दिखाता है कि ये इस तरफ नेस्ट है ऐसी चीजें शो करेगा अभी हमें डायग्राम बनाएंगे इसका उसके बाद मेल जो होता है वो बार बार फीमेल के पास आता है दूर जाता है एस शेप बनाते हुए जिकजेक्ट डांस करता है वहाँ पर फर्दर कोर्टशिप जो है वो जब तक परफॉर्म नहीं की जा सकती जब तक जो है फीमेल नेस्ट तक ना आ जाए तो ज़रूरी है कि फीमेल को नेस्ट तक लाया जाए वरना वहाँ पर कोर्टशिप या फिर मेटिंग का प्रोसेस नहीं हो सकता तो बेसिकली वो ये कर रहा है कि फीमेल को डांस के थ्रू ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि वो नेस्ट के पास आ जाए और फिर वो अपना नेस्ट का एंट्रेंस शो करता है फीमेल को कि देखो ये एंट्रेंस बनाया है यहाँ पर उसके साइड से शो करेगा जिससे वो अपना जो स्नाउट होता है जो जैसे ये इसी विश का अगर आप देख लेंगे तो ये इसका स्नाउट है इसकी आगे की पोजिशन तो ये जो आगे का नोज वाला एरिया होता है अपने स्नाउट को ऐसे पुश करेगा थ्रस्ट करने की कोशिश करेगा उससे और उसको शो करेगा और जो फीमेल पार्टनर है फिर उसको रिस्पॉन्ड करती है बाय पुशिंग हर वे इन साइड दी नेक्स्ट अगर विस्पॉन्स पॉजिटिव है तो वो नेस्ट के अंदर चली जाती है तो कहीं ना कहीं ये इतनी कॉम्प्लेक्स तरह की प्रोसेस होती है जो इनके डांसिंग में ये लोग परफॉर्म करते हैं मैं इसका अब एक डायग्राम यहाँ पर शो करूंगी आपको ताकि वो चीज़ आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में हम लोग डायग्राम से उसको और इजीली समझेंगे चलिए मैं यहाँ क्लियरली थोड़ा सा बोर्ड क्लियर करूंगी सबसे पहले ओके okay, तो सबसे पहले तो हम इसका डांस का डायग्राम बना रहे हैं तो एक काम करते हैं सबसे पहले मेल इंडिविजुअल को ही बना लेते हैं एंड uh, uh, मैं यहाँ पर नॉर्मली जो फिशेज को जिस तरह से बनाते हैं वैसे ही बनाऊंगी तो आपको समझ में आना चाहिए मैं लिख दूंगी एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल तो सबसे पहले तो ये मेल इस तरह का कुछ डायरेक्शन लेकर इस तरफ आता है और मान लीजिए यहाँ पर फीमेल है फीमेल को मैं थोड़ा बड़ा बैली का ही शो कर देती हूँ एक काम करती हूँ सो बड़ा बैली का शो करके इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर रहेगा जो भी है एक डिफरेंस बनाने के लिए हमने ऐसा ड्रॉ करा है इसको सो so, पहले यहाँ मेल रहता है इस डायरेक्शन में आता है फिर उसके बाद वो ऐसे इस तरफ जाता है पहले तो यहाँ पर बेंडिंग और जर्किंग शो करता है वो क्या शो करता है बेंडिंग एंड जर्किंग ठीक है बेंडिंग और जर्किंग शो करता है ये मेल इंडिविजुअल्स फीमेल की तरफ फिर उसके बाद फीमेल उसको फॉलो करते हुए इस तरफ आती है उसके बाद ये क्या करता है इधर से लीप ले लेता ले 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 है तो यहाँ पर लीपिंग शो करता है लीप ले लेता है यहाँ पर लीपिंग शो करने के बाद इस तरफ फिर से आगे बढ़ता है तो फीमेल इंडिविजुअल भी उसको फॉलो करती है इस तरफ फिर वो क्या करता है ये जो मेल इंडिविजुअल है नेस्ट शो करता है यहां मान लीजिए उसने नेस्ट बनाया है इस जगह पर ठीक है तो अपना नेस्ट ऑफ वीड वीड की मदद से बनाया था उसने वो वाला नेस्ट और सैंड की मदद से बनाया था वो शो करता है उसके बाद यहां पर लिपिंग हो जाती है और नेस्ट को शो करने की प्रोसेस हो जाती है और फाइनली अगर फीमेल को वो नेस्ट पसंद है तो वो यहाँ पर एक्स को ले कर देती है इस तरह से कहीं ना कहीं इनका डांस रहता है जो कि जिग जैग मोशन शो करता है सो तो जिग जैग डांस रहेगा पहले यहाँ पर फीमेल अपेयर करेगी यहाँ फीमेल के साइड है और यहाँ मेल के साइड है ये अपेयर करेगी सबसे पहले फिर यहाँ ये यह जिक जैक डांस शुरू करेगा जेड जेड डांस लिख रहे हैं हम इसको उसके बाद क्या होगा ये इस तरफ कर्व बनाएगा एक तरह से उसके बाद ये लीप बनाएगा एक तरह से देखिए इस तरह से हम चल रहे हैं यहाँ पर ये यह प्रोसेस फिर उसके बाद ये प्रोसेस फिर उसके बाद आगे चले तो ये प्रोसेस बना देती हूँ यहाँ पर उसके बाद लीप के बाद और वो उसको फॉलो करेगा फॉलो करते हैं एक दूसरे को फिर उसके बाद शो करते हैं नेस्ट का एंट्रेंस तो शो नेस्ट एंट्रेंस एंट्रेंस नेस्ट का शो करेगा उसके बाद एंटर दी नेस्ट ये फिर नेस्ट के अंदर दोनों एंटर करेंगे एंटर दी नेस्ट ये वाली प्रोसेस हो जाएगी फिर उसके बाद आप यहाँ पर ये यह लिख सकते हैं कि जो भी कोर्स बिहेवियर होता है वो परफॉर्म करेगी स्पॉनिंग लिख सकते हो आप चाहो तो स्पॉनिंग परफॉर्म की जाएगी यहाँ पर और उसके बाद लेग्स की ए, एक्स की जो लेंग होगी वो सारी चीजें यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगी तो ये एक छोटा सा बेसिक सा यहाँ पर इनका जो प्रोसेस होना था वो हमने डायग्राम के फॉर्म में समझने की की कोशिश है। अब मान लीजिए कि फीमेल इंडिविजुअल को अगर ऐसी कंडीशन होती है कि नेस्ट पसंद नहीं आता और वो नेस्ट में एंटर नहीं करती क्योंकि अगर नेस्ट में एंटर नहीं करेगी तो बाकी की प्रोसेस डेफिनेटली वहां परफॉर्म नहीं होने वाली तो मान लीजिए वो नेस्ट में एंटर नहीं करती तो अब मेल का क्या बिहेवियर वहां पर रहेगा So, का बिहेवियर ऐसी कंडीशन में जब वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देखता है तो वो क्या करता है मेल इमीजिएटली स्टार्ट जेंटल टैपिंग विथ इज हेड अगेंस्ट हर टेल जो फीमेल की टेल वाला पोर्शन होगा दैट इज़ दिस पोर्शन ये जो टेल वाला पोर्शन होगा इसके ऊपर वो अपने हेड को जेंटली टैप करने की कोशिश करता है तो उसको मतलब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिलाने की कोशिश करता है यहाँ पर जिससे कि वो नेस्ट में एंटर कर ले स्पॉनिंग की प्रोसेस परफॉर्म कर ले फिर स्विम आउट करे उसके साथ वहाँ पर सो so, मेल उसके फिर वो अगर एंटर कर जाती तो मेल उसके पीछे पीछे वहाँ पर नेस्ट की तरफ जाता है वहाँ पर वो एग्स को फर्टिलाइज़ करते हैं जो ऑलरेडी फीमेल एग्स को ले कर देती है उसके बाद मेल वहाँ पर उन एग्स को फर्टिलाइज़ करता है तो इस तरह की प्रोसेस रह, रहती है उसके बाद जो मेल रहता है अगर नेस्ट में कहीं कुछ गड़बड़ भी होती है तो उसको रिपेयर भी मेल खुद ही करता है अगर नेस्ट में कुछ गड़बड़ हो गई है फॉर एग्जाम्पल कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है तो रिपेयरिंग का, का काम भी मेल यहाँ करता है उसके बाद वो दूसरी फीमेल्स को भी वहाँ पर इन्वाइट करता है सिर्फ एक फीमेल को वहाँ इन्वाइट नहीं करता वो दूसरी फीमेल्स को भी वहाँ इन्वाइट करता है ताकि वो भी उसके ही नेस्ट के अंदर एग्स को ले कर सके तो अलग फीमेल्स को इन्वाइट करता है तो मोर इन्वाइटिंग यहाँ पर ये भी लिख लो आप ठीक है और ज्यादा इनवाइटिंग कर लेता है यहाँ पर फिर उसके बाद जब मीटिंग हो जाती है जिसमें वो फोर से लेकर फाइव फीमेल्स तो ह्यूज नंबर फोर से लेकर फाइव फीमेल्स को वो इनवाइट करता है ताकि वो उसके नेस्ट के अंदर आकर एग्स को ले कर सके तो जब ये चीज हो जाती है तो उसके बाद जो मेल रहता है वो कहीं ना कहीं पेरेंटल ड्यूटीज को शुरू करता है उसकी parental duties अब स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो अपने ओरिजिनल नॉन ब्रीडिंग कलरेशन में आ जाता है यानी कि सबसे शुरू में जो मैंने ग्रेज वाला कलर आपको बताया था जब नॉन ब्रीडिंग सीजन रहता है तो कैसे दिखाई देते हैं फीमेल और मेल्स वो वाले कलर में वापस आ जाता है तो कलर चेंजिंग शो करेगा सबसे पहले तो कलर चेंज ठीक है पेरेंटल ड्यूटी में पहला काम क्या हो रहा है अपने कलर को चेंज कर रहा है उसके बाद क्या करता है एग्स को एरेट करता है बाय द फेनिंग बिहेवियर फेनिंग बिहेवियर शो करता है पंखे की तरह हवा देता है अपने एग्स को उनके एग्स जो भी है सारे उनको एरेट करता है फेनिंग बिहेवियर के साथ क्या करता है एग्स को एरेट करता है हवा डालता है उनमें और उसके बाद जैसे ही बच्चे जो जो ब्रूट कहलाते हैं ऑफ स्प्रिंग्स है से बच्चे जैसे ही बाहर आते हैं एग्स में से तो जो मेल पेरेंट होता है इनको इन हैचलिंग्स को या छोटे छोटे बच्चों को जो एक्स से अभी अभी आ रहा है उनको अपने माउथ में ले लेता है अ ह्यूज अ स्पेशल काइंड ऑफ थिंग यानी कि वो अपने माउथ में उनको ले रहा है वो खा नहीं रहा है उनको सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अपने मुंह के अंदर उनको माउथ के अंदर ले लेता है तो दूसरी चीज क्या है हैचलिंग्स को माउथ के अंदर ले लेना ठीक है फिर उसके बाद जब थोड़े बच्चे अच्छे से बड़े हो जाते हैं उनको फिर नेस्ट के अंदर छोड़ देता है फिर वो नेस्ट में इजीली वहीं वहीं पर स्विम करने लगते हैं और मैं आपको एक वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूंगी जिसमें आप ये देखेंगे हालांकि वो स्टिकल बैक फिशेज की कहानी पर नहीं है पर फिर भी कुछ कुछ वही है तो वो जो मैं मैं यहाँ पर आपको मेल इंडिविजुअल का डायग्राम शो करूंगी उसमें क्या होगा या सॉरी एक वीडियो शो करूंगी उसमें वो माउथ में लेगा तो आप वो देखिएगा तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आने लगेगा सो so ये वाली बातें तो यहां पर कंप्लीट हो जाती है उसके बारे में अब एक चीज छोटी सी इन स्टिकल बैक। कलर को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं स्निकॉप्यूलेशन इन स्टिकल बैक सिर्फ कहानी समझ से चलिए आप मेरे साथ एक, -एक डिटेल वाली और डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कुछ भी यहाँ पर डाउट उठने जैसी चीज ही नहीं होगी अब क्या होता है ओकेजनली अगर हम बात करते हैं तो जो मेल बैक फिश होती है जो कि जनरली परसुएट करती है फीमेल को अपने नेस्ट की तरफ लाने में सो uh, वो दूसरे फीमेल्स को भी वहां पर लाने की कोशिश करती है लेकिन दूसरे मेल्स को अपनी टेरिटरी पर नहीं आने देता है सो वो क्या करता है दूसरी फीमेल को जब इन्वाइट करने जाता है अपने नेस्ट को छोड़कर तो उसके पास ये भी चांस रहती है कि जो दूसरी फीमेल्स ने किसी दूसरे नेस्ट के अंदर एग्स दिए वो उनको भी जाकर फर्टिलाइज कर दे यानी कि वो खुद की टेरिटरी में तो किसी को नहीं आने देता है लेकिन कोर्स वो जब दूसरी फीमेल को इनवाइट यहाँ पर तो एक फीमेल ने एग्स दे दी उन्हों, उसको उन्हों, उसने फर्टिलाइज भी कर दिया लेकिन अब ये जब दूसरी सेकंड फीमेल को इन्वाइट करना चाहता है ताकि वो भी यहाँ एग्स को ले कर दे तो ये मेल क्या करता है दूसरे मेल्स के भी नेस्ट में जाकर उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वहां उनको भी जाकर फर्टिलाइज करके आ जाए तो ये यहाँ पे थोड़ी सी चीटिंग टाइप ऑफ थिंग भी वो परफॉर्म करता है और अगर हम एक साइंटिस्ट की बात करें जिनका नाम था मॉरिस, मॉरिस 1982 की बात थी। इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि ये एक तरह का अनफेयर गेम खेलते हैं अनफेयर गेम यानी चीटिंग करते हैं कि फर्टिलाइजिंग कर... सबसे पहले तो जैसे इनकी फर्स्ट फीमेल जिनको इन्होंने इनवाइट करा था उसके एग्स को तो अच्छे से फर्टिलाइज कर देते हैं उसके बाद ये डिस्कवर किया गया कि जब ये से, से, सेकेंड फीमेल को देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसा एक्ट करते हैं कि हम भी मतलब जो मेल इंडिविजुअल उनके सामने ये शो करने की कोशिश करते हैं कि ये भी फीमेल ही होंगे तो वो उनको आने देता है उस तरफ जिससे कि वो उनकी टेरिटरी में जाके उसके एक्स को फर्टिलाइज कर देता है मतलब यहाँ पे ये शो करते हैं कि ये भी फीमेल तो वो हो सकता है उसको बाउंड्री तक आने दे और ऐसे करके वो चीटिंग करते हैं सो तो ये एक तरह की चीटिंग इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि मेल होने के बावजूद वो अपने आप को फीमेल की तरह शो करते हैं ये वाली चीज उन्होंने फाइंड आउट की थी जिनका नाम था डेस्मोंड मॉरिस सो ये वाली बातें हैं और एक चीज और है कि ये स्निकिंग मेल जो है डिस्गाइ इन हम कह सकते हैं इसमें रेड वैली नहीं रहता सो so, ये प्रिटेंड करता है कि वो एग्स को ले करेगा वो सूडो फीमेल फिश की तरह एक्ट करता है यानी नकली फीमेल फिश बनने की कोशिश करता है और जो एग्स होते हैं फर्स्ट फीमेल के किसी दूसरे मेल इंडिविजुअल के वहां पर जाता है एग्स के ऊपर उनको भी फर्टिलाइज कर देता है सो so, ये जब स्नीकर यहाँ से जाता है तो जो दूसरा मेल रहता है जो ओनर था इस नए नेस्ट का हम इस नेस्ट की बात करें यहाँ वाले नेस्ट का जो ओनर था वो अटेम्प्ट करता है कि वो फिर से इन फर्टिलाइज्ड फर्टिलाइज वो फीमेल नहीं थी इंडिविजुअल था तो उसको नहीं पता था कि तो तो स्निकॉपुलेशन इन स्टिकल बैग कहा जाता है और यहाँ पर जो चीटिंग परफॉर्म करता उसको स्नीकर कहते हैं स्नीकर आई होप कहानी समझ में आई होगी कि मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल था पहले इसने अपने अंदर यहाँ पर इंडिविजुअल ने एक को करा। उसने एक्स को ले कर दिया उन सभी को इसने फर्टिलाइज कर दिया अब उसके बाद ये क्या करता है दूसरी फीमेल को ढूंढने जाता है फीमेल फीमेल को सेकेंड फीमेल को भी 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 अट्रैक्ट करके बोलेगा कि यहां पर पर ले करो उसको ये फर्टिलाइज कर देगा साथ में इसके पास एक अपॉर्चुनिटी और रहती है कि यहाँ मान लो एक और इंडिविजुअल है मेल का उसने भी यहाँ पर अपने एक्स को लेकर रखा है तो ये यह वाला यहाँ वाला जो मेल है वो क्या करेगा यहाँ चीटिंग परफॉर्म करेगा चीटिंग कैसे करेगा ये फीमेल की तरह दिखाई देगा सूडो फीमेल बनकर आएगा हालांकि ये फीमेल नहीं है फिर भी फीमेल की तरह बनकर आएगा तो ये जो मेल होगा उसको पता नहीं है कि ये फीमेल नहीं है बल्कि मेल मेल है कि उसको टेरिटरी के अंदर एंटर करने देगा ये मेल को पता नहीं होगा इस बीच में वो उसको भी फर्टिलाइज कर देगा अब जब ये फर्टिलाइज कर देगा तो ये यहाँ से चल जाएगा इस मेल को पता नहीं कि यहाँ फर्टिलाइज हो गया है ये आएगा इनको फर्टिलाइज करने की कोशिश करेगा लेकिन बाद में इसको पता चलेगा कि इसके साथ एक फाउल गेम हो गया है तो यहाँ पर ये जो स्नीकर होता है जो ये इस तरीके के काम करके दूसरे के एग्स को वहाँ फर्टिलाइज करके आ गया उसने चीटिंग करी है वो सारी चीजें यहाँ पर होती हैं जिसको स्निकॉपुलेशन एंड स्टिकल बैक कहा जाता है कॉपुलेशन थोड़ा सा अलग था तो थोड़ा सा चीटिंग वाला था इसलिए हम हमने इसको यहाँ पर भी कंसेप्ट देखा अब आप देख सकते हैं कि फिशेज इतनी छोटी सी है ऊपर से दिखाई भी नहीं देती और इतनी गहराइयों में भी रहती है उनके अंदर भी इतना कुछ सेक्सुअल डायमऑर्फिजम से लेकर ये तक है कि स्निको कॉपीशन तक वो वहाँ पर परफॉर्म कर लेती है तो सोचिए कितना ज़्यादा डाइवर्स वर्ल्ड है इथोलॉजी में कितना ज्यादा एनिमल बिहेवियर के बारे में हम यहाँ पर जान सकते हैं तो यहाँ पर हमारे जो सिकल बैक फिशेज की डिटेल्स थी वो कम्प्लीट हो जाती है एंड अगर आपको इसके प्रॉपर वे में नोट्स चाहिए देन डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो एंड

ठीक है स्टिकल बैग फिशेज का कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा दूसरी फिश हमारे सामने ज्वेल फिश ज्वेल फिश अगेन स्कूल में रहना पसंद करती है लेकिन कभी कभी ये भी सॉलिट्री हो जाती है जैसे मेल इंडिविजुअल ने क्या करा था जैसे ही ब्रीडिंग सीजन आया था स्टिकल बैग फिशेज की बात कर रहे हैं जैसे ही ब्रीडिंग सीजन आया था उसने अपना स्कूल छोड़ा और उसने अपनी न्यू टेरिटरी बना ली उसी तरह से ज्वेल फिश का भी कंसेप्ट होता है कि ये कैसी होती है स्कूल में रहती है लेकिन सॉलिटरी हो जाती है यानी अकेले हो जाती है सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले होना और टेरिटोरियल भी हो जाती है ब्रीडिंग टाइप Thank right. सोलिट्री और टेरिटोरियल कब हो जाती है ब्रीडिंग टाइम पर जब ब्रीडिंग परफॉर्म करनी होगी तो ये चीज करेगी और यहां पर कोई सेक्जुअल डायमोर्फिजम नहीं देखने को मिलता इन नॉन ब्रीडिंग सीजन जब नॉन ब्रीडिंग सीजन चला वैसी बात कर रहे हैं हम फिशेस में उनमें भी जब जब नॉन ब्रीडिंग ब्रीडिंग सीजन था जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उस टाइम पर उनमें कोई सेक्जुअल डायमोर्फिजम देखने को नहीं मिल रहा था उसी तरह से इनमें भी हो रहा है इनमें जो फीमेल्स होती है उसके अंदर कुछ न्यूप्टियल कलर्स आते आ जाते हैं ब्रीडिंग सीजन में अब ब्रीडिंग सीजन में जैसे वहां पर मेल इंडिविजुअल में चेंजेस आ रहे थे यहाँ पर इंडिविजुअल में क्या हो जाएगी कुछ न्यूप्टियल कलर्स आ जाएंगे न्यूप्टियल आई है यहां पर कलर्स तो यहां पर ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर फीमेल इंडिविजुअल में न्यूट्रेल कलर्स आ जाते हैं ये बात का याद रखना आप इनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है लेकिन इनका कोर्टशिप अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है ऑब्जर्व करने के लिए तो हम एक एक करके सारी बातों को समझते हैं सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो फीमेल ज्वेल फिश होती है वो यहाँ पर टेरिटरी बनाती है बिफोर मीटिंग जैसे वहां पर मेल बना रहा था अब टेरिटरी कौन बना रहा है एक तो फीमेल के अंदर ही चेंज आए दूसरी बात फीमेल यहाँ पर टेरिटरी बनाती है ये टेरिटरी है और किसने बनाई यहां पर टेरिटी फीमेल ने बनाई ऊपर किसने बनाई थी मेल ने बनाई थी ठीक है उसके बाद समझते हैं सो so, से पहले पहले फीमेल जो होती है वो टेरिटरीज बना लेती है और यहाँ पर फीमेल ज्यादा एग्रेसिव होती है इसका जो बिहेवियर होता है वो ज्यादा गुस्से वाला होता है एग्रेसिव होती है फीमेल पर मेल के मुकाबले अगर आप बात करो और फीमेल ही यहाँ पर टेरिटरीज को डिफेंड करती है विगरसली बहुत गुस्सेल भी होंगी यहाँ पर साथ में टेरिटरीज को बहुत ध्यान से प्रोटेक्ट करती है यहाँ पर फिर जो फीमेल्स होती है वो अपनी टेरिटरीज को लीव करती है एट दी टाइप ऑफ राइपनिंग ऑफ दी ओवरीज इन्होंने पूरी टेरिटरी बनाई टेरिटरी को हमेशा प्रोटेक्ट भी करा लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इस टेरिटरी को छोड़कर बाहर जाती है कब छोड़कर जाती है जब इनका टाइम होता है राइपनिंग ऑफ ओवरीज का ओवरीज यानी इनकी ओवरीज अब मैच्योर हो जाती है रेडी हो जाती है कि अब उनमें से एग्स को रिलीज कर सके सो so, इस टाइम पे जब राइपनिंग ऑफ ओवरीज का टाइम रहता है तो ये क्या करती है फीमेल्स ये इस टेरिटरी को छोड़कर मेल जो टेरिटरी मेल ने भी यहाँ पर अपनी टेरिटरी बनाई होती है ये भी बात समझिए यहाँ पर ये भी मेल भी अपनी टेरिटरी बना के रखता है तो ये अपनी टेरिटरी को छोड़कर अब मेल की टेरिटरी की तरफ जाती है ठीक है और उसके पास जब जाएगी तो जो कहना चाहिए एक तरीके से एंटर करने की कोशिश करती है जो और एक बात और मेल की टेरिटरीज के नेबरहुड में आसपास ही कही होती बहुत ज्यादा दूर नहीं होती सो फीमेल ज्वेल फिश जो होती है वो अट्रैक्ट हो जाती है रेड मेल्स की तरफ क्योंकि इनका कलर रेड होता है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होती है और जो मेल ज्वेल फिश रहता है वो अब यहाँ पर उसको उल्टा और अटैक करता है कि वो सोचता है कि वो इंट्रूडर मेरी टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसकी राइपरिंग ऑफ ओवरी सही है वो इस तरफ आ रही है लेकिन मेल उसको आने नहीं देता उसको लगता है कोई घुसपेटिया या कोई इंट्रूडर उसकी टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है सो so, जो फीमेल ज्वेल फिश होती है वो

चीज़ नहीं है यानी मेल इंडिविजुअल ये बातें तो एक का जो होगा, वो यहाँ बाते तो यहां होती है दूसरी बात क्या होती है जो कोर्टशिप होती है इन ज्वेल फिश की अगर हम इनसे कंसर्न है तो इसमें सबसे पहले क्या होता है सिलेक्शन और डिस्प्ले होता है सुटेबल मेट का सबसे पहले तो सिलेक्शन करना और फिर मेट के सामने आ, अपने आपको ये डिस्प्ले भी करती है कहीं ना कहीं और जो डिस्प्ले होते हैं दोनों ही मेल और फीमेल के लिए कहीं ना कहीं सिमिलर ही होते हैं और दोनों ही जेंडर्स के अंदर अगर आप बात करोगे तो दोनों ही कोशिश करते हैं कि वो कोर्टशिप को इनिशिएट कर सके अब इनकी कोर्टशिप कैसे होती है उसकी स्टेजेस समझते हैं तो मैं कोर्टशिप की स्टेजेस यहाँ पर एक एक करके नोट करूंगी ठीक है सबसे पहले क्या होता है एक सुटेबल पार्टनर को सिलेक्ट करते जिसमें दोनों होल्ड uh, करते हैं जॉस के थ्रू सो पार्टनर को सिलेक्ट करना लिख सकते हैं पार्टनर सिलेक्शन ये बात हो गई उसके बाद क्या होता है दोनों मेल और फीमेल ज्वेल फिश जो होते हैं वो एक सूटेबल प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पर वो स्पॉनिंग कर सके अब दोनों मिलकर क्या करेंगे एक स्पेस ढूंढने के जहाँ पर वो क्या कर सकते हैं स्पॉनिंग कर सकते हैं यानी यही ब्रीडिंग फर्टिलाइजेशन ये सारी जो प्रोसेस है वो वहां कर सकते हैं फिर एक तरह के स्पेसिफिक स्पेसिफिक मूवमेंट यहाँ पर ये यह भी स्टार्ट करते हैं जिसको जर्क और जेंटल टेपिंग कहते हैं जैसे आपने ऊपर देखे थे कि वो एक्जेक्ट डांस कर रहे थे उसमें भी जर्क और जेंटल टेपिंग आपने देखी थी यहाँ पर भी जर्क और जेंटल टेपिंग की प्रोसेस दिखाई है ये हो गया उसके बाद इनकी जो बॉडी है वो वर्टिकल तरीके से अगेन ये लेकर जाते हैं ओवर दी ऑब्जेक्ट और जो होल बॉडी रहती है इनकी ट्रेम्बल करने लगती है तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर या ऑब्जेक्ट कोई भी इंडिविजुअल भी है तो वर्टिकली उसके ऊपर आदमी की कोशिश करेंगे और दूसरी बात क्या करेंगे होल बॉडी ट्रेम्बल करेंगे इनकी होल बॉडी ट्रेम्बल ट्रेम्बलिंग शो करते हैं बेसिकली उसके बाद दोनों ही फिशेज की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जर्ग रहती है उनमें जेंटल टाइपिंग की जाती है एक पार्टनर बिगिन करता है एक न्यू डिस्प्ले जिसको निपिंग है। एक जिसको कहते हैं जब अपने आप को करने की करेगा उसको निपिंग कहा जाता है निपिंग तो निपिंग शो करते हैं इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं चाहे तो डिफाइन करने के लिए कि बोथ फिशेस जेंटल टैपिंग इन गिवन इज गिवन फॉर अ वाइल्ड वन पार्टनर डिस्प्ले कॉल्ड निपिंग बहुत देर से अगर ये जर्क और जेंटल टेपिंग का प्रोसेस करे थे तो कोई दूसरा पार्टनर यहाँ पर निपिंग की प्रोसेस शुरू शुरू करता है जिसमें वो डिस्प्ले करते हैं अपने आप को प्लांट और डर्ट जो है वो रिमूव करते हैं प्लेस में से जो न्यू प्लेस इन्होंने ढूंढी है जहा पर ये स्पॉनिंग कर सकते हैं उस जगह से जितने भी प्लांट्स है डर्ट है उनको सफाई करते हैं बेसिकली स्पॉनिंग साइट को क्लीन कर देते हैं आप ये समझ सकते हो उसके बाद क्या होता है फाइनली जो फिशेज रहती है वो थर्ड स्टेज में एंटर करती है जिसको कहते हैं स्किमिंग वैसे मैंने यहाँ थर्ड के दिया सेकंड के अंदर ही इंक्लूडेड था थर्ड आप यहां पर लिखो इसको लिखो आप स्कीमिंग 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 में क्या करते हैं ये दोनों एक एक दूसरे को टच करते हैं प्लेस टू प्लेस और एबडोमन से एक दूसरे को रब करने की कोशिश करते हैं ये स्किमिंग स्टेज कहलाती है धीरे धीरे ये एक्टिविटी इंक्रीज करने लगती है इवेंचुअली जो फीमेल होती है वो अपने एग्स को ले कर देती है इसी स्कीमिंग एक्टिविटी के टाइम में जब स्कीमिंग ये लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं यानी एबडोमन से एक दूसरे को रब करना टच करने वाली प्रोसेस जब परफॉर्म कर रहे होते हैं उसी टाइम पर फीमेल एग्स को भी ले कर देती है और मेल को फॉलो करती है और मेल उसके पीछे आके देन उन एक्स को फर्टिलाइज कर देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगेन इनमें भी एक्सटर्नल ही होता है तो फीमेल के ऑलरेडी एग्स लेड रहेंगे मान लीजिए यहाँ पर एग्स कर दिए स्कीमिंग के टाइम पर ले उसने इन पे मेल इंडिविजुअल आके उन्हें फर्टिलाइज कर देता है फीमेल जब एग्स को ले कर देती है तो उनके आसपास ही रहती है ताकि उनको गार्ड कर सके यानी उनकी देखभाल कर सके तो गार्डिंग नेक्स्ट प्रोसेस होती है गार्डिंग करना लेटर जब यंग वन थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको स्मॉल पिट्स में कैरी कर लेते हैं ये लोग जिन्हें इन्होंने डगिंग डिग करके सॉरी डिगिंग में बार बार डगिंग डिगिंग करके बनाया होता है उसके अंदर अपने बच्चों को ले जाते हैं फिर उसके बाद यही बात रहती है कि दोनों मिलकर देखभाल करते हैं और एक टाइम पे जब कोई एक इंडिविजुअल फूड लेने बाहर जा रहा है तो दूसरा जब तक बच्चों को गार्ड करता है अगर मेल बाहर गया तो फीमेल गार्ड करेगी अगर फीमेल बाहर गई है तो मेल उन बच्चों को गार्ड करेगा उनकी देखभाल करेगा तो कहीं ना कहीं जोएल फिश का प्रोसेस स्टिकल बैक से थोड़ा सा छोटा था तो आप इसका डायग्राम तो देख ही सकते हैं तो आपके सामने है और एक चीज और कि कभी कभी आपके टीचर्स ऐसा कह सकते हैं कि इसका डायग्राम बनाइए फॉर एग्जाम्पल मैं जो कहना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ उसको थोड़ा सा नीचे ले, ले लेंगे यहाँ पर फाइन तो यहाँ पर ड्रॉ करूंगी इसको तो एक ज्एल फिश है मान लो ये ये ज्वेल फिश है थोड़ी सी इसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से होता है जो हम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये ज्वेल फिश है डॉट 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 बना लेना आप फिर उसके बाद पेयरिंग करते हैं सबसे पहले तो ये दोनों फिशेज तो पेयरिंग में कहीं ना कहीं कुछ दोनों फिशेज ऐसी नजर आएंगी पेयरिंग करते हुए ठीक है इस प्रोसेस को क्या कहोगे पेयरिंग कहोगे पेयर बना लिया इन्होंने उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होती है सर्चिंग करना एक सेफ साइट की जिसमें ये एक्स को ले कर सके तो सर्चिंग करती हैं जहाँ पर एक्स को ले करेंगी ये सर्चिंग करने के बाद दूसरी प्रोसेस क्या होती है फोर्थ प्रोसेस जर्किंग और टैपिंग एक दूसरे के ऊपर जर्क प्रोवाइड करना और जेंटली एक दूसरे को टैप करना जर्किंग और टैपिंग शुरू करती है जर्किंग और टैपिंग करने के बाद ये क्या करती है साइडली साइड वेज जो होते हैं उनके वहां से जो इनके एप्टोमन वाला पोर्शन होगा एक दूसरे से रब करेंगी टच करेंगी इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है सॉरी मैंने यहाँ शायद कुछ गलत कहा पहले शायद निपिंग के बारे में मैं आपको बता हाँ मैंने पहले निपिंग का ही बताया था तो मैं निपिंग ही लिखूंगी यहाँ पर निपिंग परफॉर्म करती है ठीक है तो यही ये, ये भी एक तरह से यही निपिंग ही है इसको भी आप जर्क टैपिंग के बाद निपिंग ही कह सकते हो इसी के अंदर वो क्या कर रही है एक दूसरे को जेंटल टैपिंग परफॉर्म करेंगी या फिर एक दूसरे के आसपास आएंगी तो ये या एक नया डिस्प्ले शुरू करेंगी आप ये कह सकते हो जैसे मैंने पहले, पहले बताया था वही चीज मैं कह रही हूँ कि पहले जर्किंग टैपिंग जब तक वो कर रहे हो तो एक कोई इंडिविजुअल निपिंग स्टार्ट करेगा निपिंग में वो एक दूसरे को प्रॉपर वे में डिस्प्ले करेंगी एक दूसरे के सामने उसके बाद दूसरी स्टेप क्या होगी दूसरी स्टेप अब होगी यहाँ पर स्किमिंग अब स्किमिंग आएगी जिसमें वो एबडोमन को टैप करेंगे और जेंटली uh, टच करेंगे वो स्कीमिंग था तो निपिंग में तो डिस्प्ले से रिलेटेड था और वो जो एबडोम वाला पॉइंट था वो यहाँ पर था और जर्क और टैपिंग तो अलग ही पॉइंट था तो उसमें तो कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए ये सारी बातें थी और लास्ट में स्कीमिंग होती है अब थोड़ी सी बातें और सुन लीजिए फिर यहाँ पर ज्वेल फिश का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा पेयरिंग जब होती है तो ये दोनों जब पेयर बनाते हैं तो ये एक दूसरे के जॉज को होल्ड करते हैं ठीक है पेयरिंग करने का प्रोसेस क्या होता है इनके जो जॉज होते हैं ये जॉज

ऐसा पॉइंट सर्च आउट करेंगे फीमेल और मेल दोनों ही एक दूसरे को किसी पॉइंट पर जर्क्स और टैपिंग प्रोवाइड करने लगते हैं उसके बाद दोनों ही मिलकर साइट को क्लीन भी करते हैं एक बीच में इस जगह पर एक प्रोसेस और होना चाहिए थी कि, कि क्लीनिंग ऑफ दी साइट भी करते हैं जितनी भी गंदगी डर्ट है या प्लांट्स है उन सबको वहाँ से हटा के पूरा क्लीन कर लेते हैं बिल्कुल सफाई कर लेते हैं अपनी साइट को तो यहाँ पर सफाई हो जाएगी तो ये वाला पॉइंट आप लिख लेंगे उसके बाद निपिंग करते हैं निपिंग आपने लिख लिया है उसके बाद दोनों स्किमिंग परफॉर्म करते हैं जिसमें निपिंग तो होगी नॉर्मल थी स्किमिंग में दोनों एब्डोमेन को टच करेंगे रब करेंगे एक दूसरे से और जो क्लोइकल ओपनिंग्स होगी Uh, उनको भी रब करने की कोशिश करते हैं दोनों की यहाँ क्लोएकल ओपनिंग्स होती है क्लोएकल ओपनिंग्स आप जानते हैं क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग को कहा जाता है जहां से फीकल मैटर यूरिन और जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होती है वो अगर कॉमन है किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसको क्लोएका कहा जाता है तो दोनों ही मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स स्किमिंग के दौरान ही uh, दोनों अपने क्लोएका को भी यहाँ पर टच करने की कोशिश करेंगे एंड रब करने की कोशिश करेंगे और फिर स्पॉनिंग परफॉर्म करते हैं फाइनली यहाँ पर स्पॉनिंग परफॉर्म की जाती है तो ये किसका बिहेवियर आपने देखा ये ज्वेल फिशेस का देखा तो मैं आ, समझती हूँ कि, कि कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है सिर्फ थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजी से आपको वो अगर समझ में आ गए तो डेफिनेटली आप लोग उसको कम्प्लीटली अपने एग्जाम में और अच्छे से अपने एग्जाम में लिख पाओगे तो ये तो बात होगी अब हमारे पास कितनी फिश बच रही है एक तिलापिया का बोला था मैंने तिलापिया का डायग्राम था ऊपर फिर दूसरी मैंने आपको कही थी गप्पी फिश के बारे में और लास्ट में मैंने आपको कहा था साइमीज फाइटिंग फिश के बारे में तो अगर सही टाइम है अगर आपको लग रहा है कि अगर देखें हम एक एक्स्ट्रा फिश और ले लेते हैं आज के कंसेप्ट में तिलापिया फिश ये तिलापिया फिश आपके सामने ये नीचे वाली ठीक है तो ज्वेल फिश होगी स्टिकल बैग फिश होगी तिलापिया और ले लेते हैं। छोटी सी ये ज्यादा नहीं है फिर उसके बाद ये वाली जो फिश होगी दैट इज गप्पी फिश और दूसरी साइमीज फाइटिंग फिश ये दोनों मैं दूसरी वीडियो में ले लूंगी तो अभी तिलापिया से समझ लेते हैं मैं इसको क्लियर करती हूँ अब बात हो रही है तिलापिया की डायग्राम आपने देख लिया है तिलापिया का कैसी दिखाई देती है अब तिलापिया में क्या होता है कि इसका पहले नाम समझिए तिलापिया में यहाँ ही लिख देती हूँ नेटे लेंसेस पूरा नाम है एक मैंने यहाँ मिस्टेक करी है साइंटिफिक नॉर्म में आप इस तरीके से नहीं कर सकते जो मैंने यहाँ गलती से कर दिया है कि एन को मैंने यहाँ बड़ा ले लिया है तो आप इसको छोटा करेंगे नेटे लेंसेस ठीक है ये एन ए टी एल ई एन -e एस आई एस तिलापिया नेटेलेंसिस, ये पूरा नाम है तो तिलापिया नेटेलेंसिस के अंदर ये जो स्पीशीज होती है इसमें जो मेल होता है मेल इंडिविजुअल वो यहाँ पर टेरिटरी बनाता है तो टेरिटरी कौन बना रहा है मेल बना रहा है उसके बाद ये मेल कैसे टेरिटरी बनाता है सबसे पहले ये एक पिट को डिक करता है तो मान लीजिए ये बॉटम ऑफ द सी है यहां पर आकर ये क्या करेगा डिगिंग शो करेगा खुदाई करेगा और एक पिट बना लेता है पिट बना लिया उसके बाद स्पॉनिंग परफॉर्म करने के लिए वो पिट बनाया तो अब क्या होता है अपेयरेंस दिखाई दे करना है उसको फीमेल को वहां पर अट्रैक्ट करना है तो आप सारी चीजें समझिए क्या क्या होती है सबसे पहली स्टेप होती है इनवाइटिंग पहली स्टेप पहली स्टेप क्या करता है ये मेल इंडिविजुअल इन्वाइट करता है सो मेल इन्वाइट्स फीमेल मेल इन्वाइट्स फीमेल उसके बाद क्या करता है लीडिंग करता है आ, लीडिंग को मैं एक काम करती हूँ सेकेंड पॉइंट में ले लेती हूँ लीडिंग लीडिंग का मतलब समझिए इसमें मेल लीड द फीमेल यानी मेल क्या करेगा इसको लीड करेगा कि किस तरफ नेट उसको रास्ता बताएगा मेल लीड फीमेल फीमेल को रास्ता बताता है कि कहाँ उसने अपना टेरिटरी बनाई तो उस तरफ वो भी आ जाए उसके बाद थर्ड प्रोसेस करते हैं ये टेल वैगिंग अपनी टेल को वेग करेगा जैसे आपने डॉग्स में वैक देखा होगा अपनी टेल को वो वैग करते हैं ऑफ टेल हम कहते हैं डॉग्स को आपने देखा होगा उसी तरह से ये भी अपनी टेल को वैग करते हैं और जो सिलेक्टेड पिट है मेल की वहां पर जाके ये वैगिंग शो करता है तो टेल टेल वैगिंग जो होती है वो भी कौन परफॉर्म करता है यहाँ पर मेल ही परफॉर्म करता है अपने टेल को वैग करेगा जोर जो से फोर्थ पॉइंट यहाँ पर बनता है क्लीनिंग क्लीनिंग में क्या होता है जो सिलेक्टेड पिट है इसने जो पिट ढूंढा है उसको ये क्लीन करने लगता है लेकिन इस क्लीनिंग में फीमेल भी उसका साथ देती है तो मेल और फीमेल दोनों मिलकर ये पिट पहले बना लेता है कि हाँ ये पिट बनाया है और यहाँ पर इसने कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं की सब यहाँ पर कुछ भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं जो भी डर्ट वगैरह है वो सब कुछ वहीं पर है तो क्लीनिंग में क्या होगा मेल इंडिविजुअल और फीमेल इंडिविजुअल दोनों ही मिलकर यहाँ पर क्लीनिंग परफॉर्म करेंगे इस पिट की अब यहाँ पर पिट वर्ड हम यूज कर रहे हैं नेस्ट की जगह ठीक है फिफ्थ पॉइंट रहेगा सर्कलिंग सर्कलिंग यानी कि दोनों मेल और फीमेल क्या करेंगे सर्कल में मूव करने लगेंगे और एक दूसरे की क्लोएकल ओपनिंग्स को चेक करने की कोशिश करेंगे जब भी सर्कल में मूव करेंगे तो एक दूसरे की क्लोए क्लोएकल ओपनिंग जो होती है क्लोएकल ओपनिंग उसको चेक करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे ठीक है तो चेक क्लोएकल ओपनिंग्स ये सर्कलिंग के टाइम पर ही हो जाएगा सिक्स्थ प्रोसेस होती है कि जो फीमेल रहती है वो स्पॉनिंग शो करती है यानी कि अपने एक्स को रिलीज करती तो मैं इसको यहाँ लिखती हूँ फीमेल स्पॉन्स और जो मेल होता है रिलीज स्प मेल रिलीज स्पम्स और उसके बाद लास्ट में फर्टिलाइज एक्स एक्स को फर्टिलाइज कर देता है अब जो फीमेल रहती है वो क्या करती है यहाँ पर फर्टिलाइज एग्स को कैरी करती है उसके माउथ में जैसे यहाँ पर एग्स को फर्टिलाइज कर लिया जाता है तो फीमेल उनको जो फीमेल इंडिविजुअल हम उसकी बात करें उसके माउथ में ले लेती है सारे फर्टिलाइज एग्स को उसके माउथ में ले लेती है माउथ में लेने के बाद वो क्या करती है uh, वहां से जाने की कोशिश करती है तो मेल जो होता है वो चेजेस अवे द स्पॉन्ड फीमेल वो उसके पीछे आता है और फिर दूसरी फीमेल्स को वहां पर इनवाइट करता है जिससे कि अब वो वहां पर आकर उसके साथ मीटिंग परफॉर्म कर सकती है अब ये जब भी एक फीमेल अपनी टेरिटरी को यहाँ से लीव करेगी तो इमीडिएटली आफ्टर मीटिंग मे यहाँ पर फर्टिलाइज एग्स उसके माउथ में लेकर वो इंक्यूबेशन के लिए चली जाती है तो हर फीमेल में यही केस रहेगा कि स्पॉनिंग करेगी

So, हमारा फाइनली यहाँ पर आज का जो सेशन है हम यहाँ पर रोक रहे हैं तो हमने आज तीन फिशेज में कोर्टशिप इन फिशेज स्टार्ट करा जिसमें हमने थ्री फिशेज देखी फर्स्ट फिश वॉज दी थ्री स्पाइंड स्टिकल बैक फिश सेकेंड वॉज Um, सिकल फिश के हमने एक तो ये वाली देखी जिसका नाम था हमारे पास तिलापिया और हाँ वाली हमने देखी थी जुवेल फिशेस मुझे उसका नाम क्लिक नहीं हो रहा था जुएल आज हमने देखी एंड अब दो फिशेस आपकी रह जाती है उनको दो नेक्स्ट सेगमेंट में कम्प्लीट करवाऊंगी क्योंकि आज का बहुत ज्यादा बड़ा ऑलरेडी सेशन हो गया है और एक एक चीज हमने डिटेल में समझी फिर भी अगर कई डाउट आते हैं कमेंट सेक्शन बिलो हम उसको वहां पर क्लियर करेंगे सो आई थिंक वी शुड स्टॉप याउ एंड इफ यू हैवसक्राइड दैनल डू सब्सक्राइबल Like the video, share the video, and help us grow our channel. So, thank you so much and happy learning.